दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है क्यों, इसके बारे में जानेंगे। कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यवहार निकट स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें बड़े द्वारक पर फैलेगी। कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारक बड़ा होने पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें बड़े द्वारक पर फैलेगी, जिससे इसकी तीव्रता घट जाएगी। यदि अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है, कहता है कि अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें छोटे द्वारक पर फैलती है। द्वारक के छोटा होने से वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें छोटे द्वारक पर फैलती है, जिससे वस्तु अधिक प्रकाश युक्त दिखाई पड़ता है। इसी कारण संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।